वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक के बारे में, और ये आपको बेसिक सी चीज़ बता देगा कि आपके इंजन से कौन सी आवाज़ कौन से पार्ट से आ रही है, क्योंकि इंजन की आवाज़ को डायग्नोज करना बिल्कुल आसान काम नहीं होता। जितने मैंने कभी इंजन खोला है, रीबिल्ड करा है, तो मुझे ये बात पता रहती है कि इंजन में से कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी आवाज़ कौन से पार्ट से आ रही है और क्या वो पार्ट से आना नॉर्मल है या नहीं, और अगर एबनॉर्मल आवाज़ है तो कैसे पता चलेगा कि वो एबनॉर्मल आवाज़ है और कौन से पार्ट को आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई, इंजन में कौन सा पार्ट डैमेज हो गया है। तो ये नॉलेज आपको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैकेनिक्स भी इस बारे में कभी गलत जानकारी दे सकते हैं कि आपके इंजन से कहीं से आवाज़ रही है और मैकेनिक किसी और पार्ट को चेंज कर दे, लेकिन वो आवाज आपकी जाए ना और आपके पार्ट में चेंज करने में पैसे भी चले जाएं। तो सबसे पहली और कॉमन नॉइज जो इंजन से आ सकती है वो होती है टिकिंग नॉइज, जो टिक 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 करके आवाज देती है। तो वो नॉइज जो है इंजन के हीट होने पर आती है, अगर तो वो आपके डेफिनेटली वाल्व्स की आवाज है, टैपेट्स की आवाज है, वाल्व क्लियरेंस आपके आउट ऑफ एडजस्टमेंट हो गए हैं। वाल्व के अंदर बाल बराबर क्लियरेंस रहता है, जो कि आप फीलर गेज से नापते हैं, पॉइंट कुछ एमएम का रहता है वो। तो आपकी यूजर मैनुअल में जो भी वो एमएम का क्लियरेंस लिखा हो, आपको चेक करना हो कि वो विद इन द स्पेक्स हो, और अगर वो नहीं है तो इसी वजह से जो टिक 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 को आवाज आ रही है वो आने लगती है। अगर वाल्व्स ढीले हैं, उनमें ज्यादा क्लियरेंस बढ़ गई है, ज्यादा जगह बढ़ गई है, तो वो एक दूसरे को हिट करेंगे तेज तेज, और जब वो हिट करेंगे तो उसमें टिकिंग नॉइज आने लगेगी। और वो टिकिंग नॉइज हीटिंग पर ही क्यों आती है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। हीटिंग पर ऑयल की प्रॉपर्टी होती है कि हीट होने पर ऑयल पतला हो जाता है। जब ऑयल गाढ़ा है तो वो उस जो हिट हो रही है जगह उसके बीच में फंसा हुआ है, तो इतनी ज्यादा वो आपको आवाज नहीं आती है। लेकिन जब ऑयल पतला हो जाता है तो वो ऑयल उधर से आवाज ज्यादा आने लगती, क्योंकि ऑयल पतला हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो आवाज जो है आउट ऑफ एडजस्टमेंट वाल्व्स की होती है। और ये टिकिंग की जो आवाज है ये आती है इंजन के हेड की तरफ से, यानी कि इंजन के टॉप ऑफ द पार्ट से, जो हेड का कवर होता है वहां से आती है। ये गियर्स से नहीं आएगी, ये क्लच के साइड से नहीं आएगी, ये मैग्नेटों के साइड से नहीं आएगी, ये इंजन के बीच में से कहीं से भी नहीं आएगी, ये आएगी तो सिर्फ हेड से आएगी। और अगर ये आवाज हेड से आ रही है तो ये 100% टैपेट्स की आवाज है, और टैपेट्स के बीच में क्लियरेंस बढ़ गया है, जिस वजह से वो एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, और हिट करने की वजह से टिक 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 आवाज आ रही है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है कि इंजन ऑयल आप थोड़ा सा हायर ग्रेड का यूज कर लें, क्योंकि हीट होने पर आपका इंजन ऑयल ज्यादा पतला हो रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। या फिर इंजन ऑयल आपकी गाड़ी का खराब हो गया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। या इंजन ऑयल आप अगर नॉर्मल यूज करते हैं तो सिंथेटिक यूज करके देख लें, ये आवाज आपकी चली जानी चाहिए। और अगर उससे भी नहीं जाती है तो फिर आपको जो है वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। दूसरी कॉमन नॉइज होती है नॉकिंग नॉइज, और ये नॉकिंग नॉइज इंजन के हेड से नहीं आएगी, इंजन के बीच में से नहीं आएगी, ये आएगी तो क्रैंक के पास से आएगी, जहां पर क्रैंक होती है, जहां पर गियरबॉक्स होता है, जहां पर क्लच होता है, ये उस साइड से आएगी। और ये इंजन के ना राइट हैंड साइड से आएगी ना लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, ये इंजन के बिल्कुल अंदर और सेंटर से आएगी। तो ये इंजन की जो आवाज है ये होती है नॉकिंग नॉइज। और इस आवाज में क्या होगा कि जब आप इंजन को एक्सेलरेट करेंगे, इंजन को लोड पे आएगा, जब इंजन एक्सेलरेट करेंगे तो ये आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, टिक 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 करके ये आवाज बढ़ती जाएगी, और ये बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है, ऐसा लगता है कोई चीज आपस में हिट कर रही है अंदर। तो ये आवाज 90% होती है क्रैंक बेयरिंग की आवाज, और क्रैंक बेयरिंग कनेक्टिंग रॉड या फिर पिस्टन पिन की आवाज, वहां पर कहीं पर कोई प्ले आ जाता है, कोई चीज ढीली हो जाती है, या फिर कम ऑयल पर चलने से क्रैंक बेयरिंग आसानी से वॉर्न आउट हो जाता है, तो ये उसकी आवाज आने लगती है। और इसे आप जल्दी से जल्दी चेंज कर लें, अगर ये आवाज कम आ रही है तो बिल्कुल सही है, और अगर ये आवाज ज्यादा बढ़ जाती है तो ये पिस्टन रिंग्स, पिस्टन और ज्यादातर इंजन के पार्ट्स को डैमेज कर देगी। तीसरी आवाज इंजन के अंदर आती है टाइमिंग चेन की। टाइमिंग चेन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये वो वाली चेन नहीं है जो कि चेन स्प्रॉकेट हमारे बाहर की चेन जो व्हील से कनेक्टेड रहती है वो दिखती है, ये टाइमिंग चेन नहीं होती। टाइमिंग चेन इंजन के अंदर होती है जो कि कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट को सिंक करके रखती है। अगर ये टाइमिंग चेन ढीली हो जाती है या इसके गाइड्स जो हैं वो प्लास्टिक के होते हैं अंदर, वो टूट जाते हैं या उनमें डैमेज हो जाता है, तो टाइमिंग चेन नॉइज करने लगती है। और अगर टाइमिंग चेन का टेंशनर है वो भी आपका खराब हो जाता है तो भी टाइमिंग चेन नॉइज करने लगती है। और टाइमिंग चेन की नॉइज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने टाइमिंग चेन की नॉइज को इग्नोर कर दिया तो आपकी टाइमिंग आउट ऑफ सिंक हो सकती है, हो सकता है टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट्स पे टूथ स्किप कर दे। और अगर टाइमिंग चेन टूथ स्किप कर देती है, एक स्किप कर देती है तो गाड़ी चलती रहेगी, और अगर दूसरा स्किप कर देती है, दो या तीन टूथ स्किप कर देती है उस पर टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट पर, और टाइमिंग पूरी तरीके से गाड़ी की आउट हो जाती है अगर, तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि आपको इंजन ऊपर से नीचे तक पूरे नए पार्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि पिस्टन और वाल्व्स आपस में टकरा जाते हैं उसमें, तो इस वजह से यह होता है। तो टाइमिंग चेन की आवाज को आपको इग्नोर नहीं करना। मैं बता देता हूं टाइमिंग चेन की आवाज किस साइड से आती है। ये जो आप फोटो में अभी देख रहे हैं
करना है, ये जो छोटी सी चीज है ये है टेंशनर, टाइमिंग चेन टेंशनर। और टाइमिंग चेन टेंशनर जिस साइड पर आपकी मोटरसाइकिल में लगा है, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, अगर ये आवाज वहीं से आ रही है तो आपको डाउट लाना है टाइमिंग चेन पर। और ये आवाज क्या है, ये आइडलिंग पर आएगी सिर्फ। अगर आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, एक्सेलरेट नहीं करते, तो ये आवाज तभी आएगी। और ये एक ऐसी आवाज आएगी जैसे कि चेन किसी चीज से अंदर टकरा रही है, स्लैप कर रही है, स्लैपिंग नॉइज इसमें आती है। और जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे तो ये नॉइज कम हो जाएगी। तो अगर ये नॉइज कम हो जाती है तो ये टाइमिंग चेन की आवाज है। टाइमिंग चेन ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ज्यादा लूज होना चाहिए। अगर टाइमिंग चेन लूज है तो चेन स्लैपिंग की नॉइज आएगी, और अगर टाइमिंग चेन ज्यादा टाइट है तो एक विनिंग साउंड आएगा, जैसे कि फ्यूल पंप में ज़ज़ करके ऐसी आवाज आती है, एक इंजन के अंदर से चलते में वैसी आवाज आती रहेगी। और ज्यादा टाइट टाइमिंग चेन से इंजन में आइडल प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, इंजन आइडल नहीं कर पाएगा, बंद होने लगेगा, स्टॉलिंग प्रॉब्लम इंजन के अंदर आ जाएगी। और ये याद रखिएगा, टाइमिंग चेन की जो आवाज है वो टाइमिंग चेन टेंशनर के आसपास से ही कहीं से आएगी। अगली एक और नॉकिंग नॉइज आती है, वो आती है ज्यादातर सिर्फ कोल्ड स्टार्ट्स पर, और वो भी 2 से 3 सेकंड के लिए आती है और वो चली जाती है। तो वो नॉकिंग नॉइज जो है, जी हाँ, वो भी टाइमिंग चेन टेंशनर की नॉकिंग नॉइज होती है। क्योंकि कुछ बाइक्स में क्या होता है, टाइमिंग चेन टेंशनर हाइड्रोलिक यूज होता है जो ऑयल प्रेशर पर वर्क करता है। अगर ऑयल प्रेशर ठंडे इंजन पर कम है तो चेन टेंशनर जो है वो टाइमिंग चेन को टाइट करके नहीं रखेगा, तो इसलिए उस पर जो है वो कोल्ड स्टार्ट पर आवाज आती है। और जैसे ही ऑयल प्रेशर इंजन के अंदर 2 से 3 सेकंड में बिल्ड हो जाता है, चेन टेंशनर जो है टाइमिंग चेन को टाइट कर देता है वापस से, तो वो आवाज चली जाती है। तो ये भी टाइमिंग चेन आपका जाने वाला है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कोल्ड स्टार्ट पर, अगर आपको एक नॉकिंग साउंड 2 से 3 सेकंड की सुनाई दे रही है तो। अगली एक और नॉइज इंजन के अंदर से आ सकती है, जो कि आ सकती है क्लच के साइड से। क्लच बास्केट के अंदर रिविट्स होती है, रिविट्स जो है वो लूज हो जाती है, या फिर उसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, वो स्प्रिंग्स लूज हो जाते हैं, तो वो स्प्रिंग जो है वो रैटल करते हैं अंदर, तो उसकी आवाज आती है। ये मोस्टली आवाज आइडलिंग पर आती है, और जैसे ही आप क्लच को दबा देंगे तो क्लच दबाने पर ये आवाज चली जाती है। अगर क्लच दबाने पर ये आवाज चली जाए, या कोई भी आवाज आप इंजन के अंदर डायग्नोस कर रहे हैं, तो क्लच जरूर दबाकर देखिए कि अगर क्लच दबाने पर वो आवाज जाती है वापस, तो उसका मतलब ये कि वो क्लच से ही आ रही है। तो ये बास्केट में क्या होता है, क्लच बास्केट वॉर्न आउट हो जाती है, या क्लच में क्लच प्लेट्स खराब हो जाती है, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है कि अगर क्लच दबाने पर आवाज जा रही है तो वो 90% क्लच बास्केट की है। तो आई होप सो, मैंने ज्यादातर कॉमन नॉइजेस जो कि एक मोटरसाइकिल इंजन के अंदर से आ सकती हैं, कौन सी प्रॉब्लम को वो दर्शाती हैं, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी होंगी, और उनके सॉल्यूशंस भी मैंने सारे थोड़े बहुत बता दिए। अगर क्रैंक बेयरिंग गया है तो वो तो आपको फिर बेयरिंग ही चेंज करना पड़ेगा, और क्रैंक बेयरिंग अगर गया है तो आप मोटरसाइकिल को याद रखिए, जब एक्सेलरेट करेंगे तो आवाज बढ़ती जाएगी, और जब आप एक्सेलरेटर छोड़ देंगे चलते में डिसेलरेट करती जाएगी मोटरसाइकिल, तो भी वो आवाज डिसेलरेशन पर भी आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब जो एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी आवाज कौन से इंजन के पार्ट से आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।